नमस्कार भाइयों, मैंने जितना भी वीडियो बनाया उसमें कमेंट के आधार पर, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर और पूरी दुनिया में जितना भी सेफ्टी कोर्स होता है, आईओएस हो गया, निबोस हो गया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, फायर सेफ्टी हो गया, ओसा हो गया, सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, जितना तरह का भी कोर्स होता है उस कोर्सों के आधार पर और विदेश में जाने वाले इंटरव्यू के आधार पर और वर्क एक्टिविटी के आधार पर एक ऐसा सेफ्टी का बुक बनाया है जिसमें 100 चैप्टर है, 100 अध्याय है। उसको कवर करने के लिए 100 दिन लगेगा। तो मैंने आज से एक सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस चालू करने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब से मैंने सेफ्टी प्रोफेशनल का जॉब L&T कंपनी में शुरू किया, उसी दिन से आदमी को या हमको एक तरह का ईगो हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल सेफ्टी ऑफिसर हूं। कुछ आवे या ना आवे वो अलग की बात है। मैं जो समझने वाला, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, और किसी से अगर सीखना है तो ठोकर लगे हुए आदमी से सीखिए और हरे आदमी हूं उससे सीखिए। तो उसी समय जॉब के समय में मैंने सिंपलेक्स कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इंटरव्यू देने में 5 क्वेश्चन इंटरव्यू वाले ने पूछ दिए हमसे, लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे, मैंने उसको हिंदी में मीनिंग बताया, बोला व्हाट इज हजार्ड, तो हजार्ड को खतरा कहते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। फिर भी वो हमको सेफ्टी जॉब ऑफिसर के लिए लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सैलरी के संबंध में विवाद खड़ा हो गया और उसने मुझे यू आर इमीडिएटली गेट आउट बोल दिया। तो मैंने वहां से निकल गया, लेकिन 2-3 दिन तक दिन रात मैं यही सोचते रह गया कि हमको वहां से भगा दिया, इसका मतलब है हमको कुछ नहीं आता है। तो मैंने अपने मन में विचार किया, जो अपने सेफ्टी प्रोफेशनल कैरियर को, जॉब को सही तरीके से समझना जरूरी है। हमको अगर कुछ नहीं आएगा तो आदमी वैल्यू नहीं देगा। तो तब से मैं अपने कैरियर को समझने लगा और हजारों आदमी से क्वेश्चन पूछ दिया, उसके मुताबिक मैंने यह बुक तैयार किया गया। इस बुक में पूरी दुनिया का इंटरव्यू कीजिए या एग्जाम दीजिए, सब में ये यूज होगा। तो इस क्लास को आप लोग थोड़ा सही तरीका से ध्यान देकर समझिए। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर का क्या महत्व है। तो इसका जवाब थोड़ा सुन लीजिए। भारत में गुनाहगारों, अपराधियों को जल्लाद के द्वारा सजा के तौर पर फांसी दिया जाता है
और वो जल्लाद सरकार से सैलरी लेकर आदमी को फांसी दे देता है, तो वह भी एक जॉब कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जो सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, आदमी को इंजुरी से बचाते हैं, आदमी को फेटल होने से बचाते हैं, हम लोग भी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन सैलरी के बदले में उसको बचा रहे हैं, आदमी का जान बचाते हैं। एक तरफ जल्लाद जो है, आदमी जल्लाद जो है वो आदमी को पेमेंट लेकर फांसी देता है, और एक तरफ हम लोग जो है आदमी को सेफ्टी के द्वारा जान बचाते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। तो इस बात को समझते हुए सेफ्टी का जॉब कीजिए। ये सेफ्टी का जॉब आदमी के कल्याण के लिए, सेफ्टी को जो समझने वाला आदमी है, हम लोगों से सेफ्टी को छोड़ करके अदर प्रोफेशनल का जो आदमी है वो सेफ्टी को बहुत अच्छा से भगवान ही समझता है, उसको इसके आधार पर हम लोग अपना ड्यूटी करेंगे तो आदमी भी वैल्यू देगा, पब्लिक भी वैल्यू देगा, और हमारे अंदर में नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कोई आप लोगों को या हमको वैल्यू नहीं देगा। उस नॉलेज को लेने के लिए, और तीसरी बात यह है कि हम जो भी क्लास चालू करने जा रहे हैं YouTube के द्वारा, उसमें हमको पैसा मिले, रुपया मिले या नहीं मिले, इस बात की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं खुद सेफ्टी प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूं। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि अपना मेरे अंदर जो जानकारी है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप लोगों को इसमें मेरे क्लास में जो भी अगर गड़बड़ी लगे तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो आज का टॉपिक है, चैप्टर 1 में बताया गया मीनिंग ऑफ सेफ्टी एंड फंक्शन ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट। सेफ्टी का अर्थ क्या है और सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, सेफ्टी जो है 6 वर्ड का शब्द है, 6 शब्द इसमें सेफ्टी मिला हुआ है। तो 6 का अर्थ अलग अलग होता है, छे में आ जाता है एस, आ जाता है एस, एस का मतलब है सर्च फॉर हजार्ड, खतरा को खोजो। ई का मतलब है एनालाइज द रिस्क, उसमें कितना रिस्क है उसको पता लगाना है, और ऊपर से गिरेगा तो पूरा फेटल हो जाएगा, इतना दूर से गिरेगा तो हाथ पांव टूटेगा या मेज पड़ेगा, तो वही रिक्स बोला जाता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। एफ का मतलब है फाइंड द कॉज, उसके कारणों का पता लगाना है, कॉज का क्या कारण है। और ई से हो गया एलिमिनेट द कॉज, इसके कारणों को जड़ से हटा देना है, कारणों को खत्म कर देना है। और टी से हो गया टेल ऑदर, इसके बारे में सबको बताना है। वाई का मतलब है यू आर सेफ विथ मी, आप मेरे साथ सुरक्षित हैं, ये हो गया सेफ्टी का मीनिंग। दूसरा सवाल ये है व्हाट इज द सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। सेफ्टी मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन, एडुकेट द पीपुल एंड इट्स कंट्रोल, एलिमिनेटेड द हजार्ड्स एंड मिनिमाइज द एक्सीडेंट। सेफ्टी जो है सुरक्षा का मतलब है आत्मरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखना, दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखना,
काम में होने वाले दुर्घटनाओं को समाप्त करने के साथ सबको सुरक्षित तरीके से कार्य करवाना और सुरक्षित रखना ही, दुर्घटना को समाप्त करना ही सेफ्टी कहलाता है। तीसरा सवाल यह है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑफिसर? सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मीनिंग बताया जाता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑफिसर विल शैल बी असिस्टेड एंड एडवाइस टू कंपनी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ए सेफ एंड हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट। सुरक्षा अधिकारी का मुख्य उद्देश्य कंपनी मैनेजमेंट को सलाह देकर सहायता करना और काम के दौरान सुरक्षित एवं स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना ही सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट में क्वेश्चन बताया गया था, व्हाट इज द फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट? सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम क्या है और उसका सेफ्टी डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? एक इंटरव्यू वाले ने मुझसे पूछ दिया, तो मैं ही अगर सेफ्टी देख लूंगा तो क्या होगा? तो आपका जरूरी क्या है, आप क्या देखती है, देखिएगा क्यों आपको मैं ले रहा हूं जो हमसे नहीं हुआ? उसी क्वेश्चन का ये आंसर है, इट इज डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी सेफ्टी पॉलिसी एंड प्लान। हम लोग कंपनी के सुरक्षा नीति और योजनाओं को के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हो गया, इट इज द चेकिंग द सेफ्टी प्रोसीज्योर एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स लाइक जीएसए वर्क परमिट फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड वेलफेयर फैसिलिटी एंड वर्कर इंश्योरेंस ईटीसी। हम लोग सेफ्टी डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और जो भी सेफ वर्क प्रोसीज्योर है उसको भी चेक करके इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें आ जाता है जैसे जीएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस को चेक करते हैं या लिखते भी हैं, वर्क परमिट को इंश्योर करवाते हैं, फर्स्ट एड फैसिलिटी क्या है, वेलफेयर फैसिलिटी क्या है, इस सब के बारे, वर्कर का जीवन बीमा क्या है, उस सब के बारे में हम लोग चेकिंग करते हैं। तीसरा हो गया, इट इज डिसाइडिंग अनसेफ कैटेगोरीज लाइक वेरी अनसेफ, अनसेफ एंड लेस अनसेफ। हम लोग इस बात को निर्णय लेते हैं कि कौन सा काम में अधिक खतरा है, कौन सा काम में सिंपल खतरा है, अनसेफ वेरी अनसेफ है, असुरक्षित है, बहुत असुरक्षित है, जैसे सेवरिटी 4 और 5 का पॉइंट हो जाता है, वो बहुत अनसेफ हो जाता है। उसके बाद हो गया अनसेफ हो गया, वायलेशन 3 आ जाता है, अनसेफ आ जाता है, और लेस अनसेफ कम सुरक्षित, जैसे वायलेशन 1 और वायलेशन 2 आता है, कम सुरक्षित। इसका भी जिक्र मैं आगे के क्लास में करूंगा। इट इज गिविंग द करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्सीडेंट। हम लोग जो भी काम होता है उसमें एक्सीडेंट होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करके उसको एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इट इज ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ऑडिट और रिकमेंडेड सेफ्टी रिपोर्ट। और हमारे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा, टिप थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी ऑडिट होता है, उस ऑडिट का के मुताबिक जो मांग होता है, जो सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करना होता है या इंप्लीमेंट करना होता है, ये सब काम हम लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रोफेशनल डिपार्टमेंट करते हैं। इट इज एडवाइजर टू टॉप मैनेजमेंट टू सेफ्टी मैटर।
हम लोग टॉप मैनेजमेंट को शक्ति मैटर के मामले में, सुरक्षा के मामले में सलाहकार का काम करते हैं, हम लोग सलाह देते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को ऐसा गड़बड़ी है इसको इस तरीका से ठीक करना है। मॉनिटरिंग द वर्क इंजरी एंड इलनेस रिकॉर्ड, हम लोग वर्क काम करने में होने वाले इंजूरी को, आदमी के इंजूरी को और इलनेस रिकॉर्ड, और आदमी जो बीमार पड़ जाता है काम के दौरान उसका रिकॉर्ड का मेंटेन करते हैं। इट इज प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट, और हम लोग अपना भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का कैरियर ग्रोथ जो है वो पर्सनल का विकास करता है, अपना भी ये बताया जाता है। और लास्ट में होता जा है, इट इज गिविंग फायर प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव एक्सीडेंट, हम लोग आग की रोकथाम और आग लगने से बचाने का काम, सुरक्षात्मक कार्रवाई करके, सुधारात्मक कार्रवाई करके उसको आग होने से पहले ही हम लोग क्लोज कर देते हैं, या बता उसको एक्सीडेंट, आग के एक्सीडेंट से हम लोग रोकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, और अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एकदम इस आधार पर रहेगा जो आपको गारंटी काम देगा, और इस बुक को पढ़ने से मेरा गारंटी है कि दुनिया में किसी भी इंटरव्यू, किसी भी क्लास होगा उस, अगर इसको पढ़ने से, पढ़ लीजिएगा सही से, तो वहां से वापस उदास होकर हमारे जैसे वापस होने का जरूरी नहीं पड़ेगा। गारंटी इंटरव्यू में आप पास कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ नमस्कार भाइयों, आज का टॉपिक है चैप्टर 2, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। चैप्टर 2 में बताया गया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। हमको एक जगह इंटरव्यू में पूछ दिया गया, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है। तो मैंने बोल दिया जो टीबीटी करा रहा हूं, तो टूल बॉक्स तो कौन देता है, बोला मैं देता हूं। ये मैंने गलत बोल दिया था, टूल बॉक्स स्टॉक जो है इंजीनियर देता है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए पेपटॉक, पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, निजी उपकरण सुरक्षा, ये सेफ्टी ऑफिसर देता है। जो मैंने गलती किया और भूल किया, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को 7 भागों में विभाजित किया गया है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स, इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है गिव द ट्रेनिंग टू साइट वर्कर्स, काम करने वाले मजदूरों को, वर्कर को सबसे पहले ट्रेंड करना जरूरी है और ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसमें आई कंडक्ट, इसके उत्तर में बताया जाता है, जवाब में आई कंडक्ट एंड पार्टिसिपेटिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग लाइक सेफ्टी इंजेक्शन, टीबीटी ट्रेनिंग, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्लान, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग एंड फास्ट ट्रेनिंग इटीसी।
मैं सभी तरह का ट्रेनिंग आयोजित करता हूं और उसमें भाग लेता हूं। जैसे सेफ्टी इंडेक्सिंग ट्रेनिंग को सुरक्षा प्रेरक ट्रेनिंग बोला जाता है, टीबीटी को टूल बॉक्स टॉक बोला जाता है, इमरजेंसी प्लान, किसी तरह का गड़बड़ी साइड में हो गया तो इमरजेंसी प्लान आपका क्या है, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग एक दिया जाता है जो इट इज एन इमरजेंसी रहल सहल, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग दिया जाता है किसी तरह का गड़बड़ी होने पर। वैसे इस सब को मैं विस्तार में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस सब पर ध्यान देना आप लोगों को जरूरी है। दूसरा हो गया प्रोवाइड वर्क परमिट पीपीईज एंड वेलफेयर फैसिलिटीज बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। काम चालू करने से पहले साइट पर काम चालू करने से पहले वर्क परमिट देता हूं, इंश्योर कराता हूं, पीपीजी इंश्योर कराता हूं और वेलफेयर फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराता हूं। इसके उत्तर में बताया गया है, जवाब में मैं ये बोल सकता हूं, आई इंश्योर वर्क परमिट PPEs and welfare facilities provide at site on the workplace through line manager environment management plan। मैं line manager के द्वारा, site incharge के द्वारा work permit insure कराता हूँ, PPEs निजी सुरक्षा उपकरण इंश्योर कराता हूँ और वेलफेयर फैसिलिटीज भी इंश्योर कराता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ, जिसमें वेलफेयर फैसिलिटीज में आ जाता है आपका वॉशिंग फैसिलिटी, पीने का पानी हो गया, रेस्ट शेड, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सब आता है। तो दूसरा में हो गया ये चीज, तीसरा में हो गया चेक द साइट इक्विपमेंट, साइट के इक्विपमेंट को चेक करता हूं, जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसको मैं हम लोग चेकिंग करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। तीसरा में बताया गया है, इसके जवाब में बताया गया है, आई प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ written documents and follow them based on the checklist। मैं checklist के आधार पर प्रत्येक तरह का documents तैयार करता हूँ साइड में होने वाले, like GSA lifting tools and tackles, risk assessment sheet, power tools, electrical equipment, lifting tools and stackers, mobile equipment and working at height and excavation etc। अब जो मैंने बताया GSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का भी अलग अध्याय, अलग चैप्टर है, वर्क परमिट का भी अलग चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट सीट का अलग चैप्टर है, ये सब को बारे में सोचने का अभी जरूरी नहीं है, पहले आप इस बातों पर ध्यान दीजिए अभी का जो पॉइंट है उसमें। आगे मैं आगे और जो भी बचा हुआ रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। मैं सभी प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूं और चेकलिस्ट के आधार पर उसको फॉलो करता हूं, जिसमें साइड में जितना भी इक्विपमेंट चल रहा है उस इक्विपमेंट को चेकिंग करता हूं चेकलिस्ट के आधार पर। वही हो गया इंस्पेक्शन, हो गया चेक द साइट इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन उसी आधार पर हो गया। चौथा हो गया सिक्योर द साइट थ्रू ऑब्जर्वेशन, साइट को ठीक करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है।
I continuous monitoring outside and identify unsafe act and unsafe condition and take immediate corrective action my side पर. लगातार विजिट करता हूं जिसमें असुरक्षित आदमी और असुरक्षित जगह को निरीक्षण करके उसको इमीडिएट तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करता हूं. पांचवा हो गया सॉल्व द साइट प्रॉब्लम थ्रू मीटिंग. अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी प्रॉब्लम आता है उसको मीटिंग के द्वारा मैनेजमेंट मीटिंग के द्वारा उसको सॉल्व करता हूं. आई रिस्पॉन्सिबल टू वीकली मीटिंग विथ माय मैनेजमेंट एंड कमिटी मीटिंग विथ क्लाइंट एंड प्रिपेयर कंप्लायंस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट्स. मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और कमिटी मीटिंग करके क्लाइंट के साथ कमिटी मीटिंग करके उसके ऑडिट का कंप्लायंस रिपोर्ट बनाता हूं. ये हो गया पांचवा. छठा हो गया सिक्स रिपोर्ट टू कंपनी मैनेजमेंट. अब इतना मुझे जो भी पहले मैं किया उसको कंपनी मैनेज जो भी अनसेफ एक्ट जो भी अनसेफ कंडीशन मिला उसको रिपोर्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो कंपनी मैनेजमेंट को पता रहना चाहिए जो साइड में क्या हो रहा है साइड में हमारा सेफ्टी ऑफिसर क्या कर रहा है उसके लिए रिपोर्टिंग तैयार करना जरूरी है और रिपोर्टिंग हायर मैनेजमेंट तक पहुंचना जरूरी है. ये अगर रिपोर्टिंग हम लोग कर देते हैं तो समझिए आपका 90% सेफ्टी ऑफिसर का काम हो जाएगा और आप काम में सफल हो जाइएगा. जब तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं अपने मन के अंदर रखते हैं तब तक किसको पता है सेफ्टी ऑफिसर क्या कर रहा है. हर वक्त बैठा होगा. रिपोर्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है. रिपोर्ट टू कंपनी मैनेजमेंट को आई इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस डेंजरस अकूरेंस एंड इन्फॉर्म टू द कंपनी मैनेजमेंट अबाउट इट्स कापा कॉरेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन. अगर आप रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं जितना तरह का एक्सीडेंट हुआ इंसिडेंट हुआ नियर मिस हो गया घटना दुर्घटना निकट चूक और बड़ा दुर्घटना उस सबको जो रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में उसका सॉल्यूशन भी बताना जरूरी है. कापा जो मैं बोल दिया CAPA कापा का मतलब होता है कॉरेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन. उसको आप कॉरेक्टिव एक्शन क्या दे रहे हैं उसको काम दुर्घटना के बाद क्या आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं. हम लोगों का काम है सेफ्टी मैनेजमेंट को सलाह देना असिस्टेड एंड एडवाइस टू कंपनी मैनेजमेंट. कंपनी मैनेजमेंट को मुझे दुर्घटना के बाद वाली स्थिति को भी सलाह देना है और प्रिवेंटिव एक्शन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए जो ये एक्सीडेंट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए. तो
तो सभी घटनाओं, दुर्घटनाओं, निकट चूक और खतरनाक घटनाओं को रिपोर्ट करता हूँ, हायर मैनेजमेंट को, कंपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता हूँ और उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई और निवारात्मक कार्रवाई करता हूँ। ये छठा हो गया, सिक्स। सेवन हो गया मोटिवेट टू द वर्कर्स, काम करने वाले वर्कर को मोटिवेट करना, इसमें आ जाता है। आई अरेंज मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज टर एंड स्लोगन। मैं साइट पर वर्कर को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मास मीटिंग करता हूं और वर्कर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देकर के जागरूक करता हूं, जिसमें स्लोगन लिखा जाता है, स्लोगन का कंपटीशन करता हूं, नारे का, पोस्टर का, शेप अनशेप पिक्चर बनाएगा साइड में, स्कैफोल्डिंग का हो गया या वर्किंग का हाइट का हो गया, पिक्चर बनाएगा। और तीसरा आ जाता है क्विज पोस्टर स्लोगन। मैं श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रतियोगिता, जैसे प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछकर, क्वेश्चन पूछकर, पोस्टर का कंपटीशन देखकर, जो पिक्चर बनाकर और स्लोगन नारे का कंपटीशन करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो हम लोगों का जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का इस तरह सात है, सेवन है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज डिवाइडेड इनटू सेवन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मार्क्स, गिव द ट्रेनिंग टू द साइट वर्कर्स। सेकंड, प्रोवाइड वर्क परमिट, पीपीईज एंड वेलफेयर फैसिलिटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। 3 पॉइंट, चेक द साइट इक्विपमेंट। 4 पॉइंट, सिक्योर द साइट थ्रू ऑब्जर्वेशन। 5 पॉइंट, सोल्व द साइट प्रॉब्लम थ्रू मीटिंग। 6 पॉइंट, रिपोर्ट टू कंपनी मैनेजमेंट। एंड 7 पॉइंट, मोटिवेट टू द वर्कर्स। इतना हम लोगों को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का काम है। अब कुछ कुछ आदमी हमको ये बता रहा था, और बताता तो बहुत है जो ये बताइए ये बताइए, लेकिन कल मैं अगला बार ये बताऊंगा, कोई भी काम चालू करने से पहले साइट का लीगल रिक्वायरमेंट क्या सब है, व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द साइट। साइट को चालू करने से पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या सब है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में आज का टॉपिक है चैप्टर 4, बेसिक नॉलेज ऑफ सेफ्टी डेफिनेशन। सुरक्षा परिभाषा का बुनियादी ज्ञान क्या है, डेफिनेशन सही होना चाहिए। ये सही तब ये होगा जो आदमी को पता रहेगा, वैसे थोड़ा बहुत सबको पता रहता है, ये बात मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर में जितना भी पॉइंट दिया है,
इंटरव्यू में उसी पॉइंट से देख करके आदमी को पूछता है, और जितना उसमें पॉइंट है, अगर 80 है या 100 है, 100 है, इसलिए उसका चैप्टर 100 हो गया है। तो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो उसमें ये सब सब्जेक्ट पूछ देता है। जैसे हमको एक जगह पूछ दिया था टीबीटी क्या होता है, मैं बताया जो आगे मैं बताऊंगा, और एक जगह मीटिंग में पूछ दिया, मैं जो सेफ्टी इंजेक्शन का पेपर दिखाया, आज हम लोग सेफ्टी इंजेक्शन देते हैं, तो उसका क्लाइंट का बेंगलोर में एमडी ही पूछ दिया व्हाट इज सेफ्टी इंजेक्शन। वो हो सकता है हमको चेक करने के लिए बोला होगा, या उसको पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर मैं ये सेफ्टी इंजेक्शन से चालू करूंगा। पहला हो गया सेफ्टी इंजेक्शन, इसको सुरक्षा प्रेरक प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रेरक ट्रेनिंग बोला जाता है, जो आदमी को सबसे पहले यही ट्रेनिंग दिया जाता है सेफ्टी इंजेक्शन। व्हाट इज सेफ्टी इंजेक्शन, सुरक्षा प्रेरक प्रशिक्षण क्या है, सेफ्टी इंजेक्शन शैल बी कंडक्टेड बिफोर ज्वाइन द ड्यूटी रिगार्डिंग वेलफेयर फैसिलिटी ईएचएस पॉलिसी, एचएससी पॉलिसी, इमरजेंसी प्लान, हजार्डस ऑफ वर्क प्लेस, असेंबली पॉइंट, ट्रैफिक प्लान, हाउ टू रिपोर्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने पर किसको रिपोर्ट किया जाएगा, फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो सेफ्टी इंडक्शन जो दिया जाता है, काम चालू किया ज्वाइन द ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले उसको साइड के बारे में बताया जाता है, ड्रिंक एंड ड्रग पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, कंपनी का नियम क्या है वो बताया जाता है, सुरक्षा नीति क्या है वो बताया जाता है, किसी को इमरजेंसी हो गया तो किसको कॉन्टेक्ट करेगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है, ये सब बताने को ही सेफ्टी इंडक्शन बोला जाता है। आगे हो गया टीबीटी टूल बॉक्स टॉक, टूल बॉक्स टॉक शैल बी कंडक्टेड बिफोर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी एनी टाइम विच इज इंक्लूड्स जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज, हजार्ड्स, प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, रिस्क कंट्रोल, पीपीज एंड सेफ वर्क प्रोसीड्योर। टूल बॉक्स टॉक जो है, कभी भी किसी भी टाइम काम चालू होने से पहले उस काम के संबंधित एक्टिविटी के मुताबिक उसका हजार्स खतरा क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका प्रिवेंटिव सावधानी क्या है, उसके बाद उसका पीपीज क्या पहना जाएगा, और लास्ट में आ जाता है सेफ वर्क प्रोसीड्योर, काम करने का सुरक्षित कार्य प्रणाली क्या है। तो ये हो जाता, यहाँ के मैं यहाँ का बात बता रहा हूँ, एफजीडी का ये सेफ्टी का हेड जो है अरुण दुबे सर, शुरू में हमको एक दिन पूछ दिए,
जो तुम टीवीटी देता है कि पेपटॉक देता है, मैं बोल दिया जो सर में टीवीटी देता हूं। अच्छा ये बताओ पेपटॉक क्या होता है, मैं बोला पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, निजी उपकरण सुरक्षा, सुरक्षा संबंधित जो भी निजी उपकरण पहना जाता है वो हो गया। दूसरा बात यह है टीवीटी को इंजीनियर को देना चाहिए टूल बॉक्स टॉप, और उससे संबंधित बचाव के लिए प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन भी तो वो बता सकता है लेकिन वो नहीं बताएगा तो हम लोग बताएंगे उसको प्रिकॉशन बचाव के लिए सावधानियां के लिए क्या क्या होगा, और उसको पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन क्या क्या पहनेगा वो हम लोगों को बताना है। तो ये हो गया टीवीटी हो गया, जो हमको एक जगह पूछ भी दिया था कंपनी में, मैं जो इतना बताया याद था, बोला आप इतना करते हैं, हम क्या हाँ मुस्का दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा हो गया अनसेफ एक्ट, असुरक्षित आदमी और असुरक्षित काम, दो चीज इसमें आ जाता है, असुरक्षित आदमी असुरक्षित काम, व्हाट इज अनसेफ एक्ट, इट इज ए ह्यूमन एरर और इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, यह आदमी का गलती या भूल होता है जो सुरक्षा के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, उसे ही हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। अनसेफ एक्ट में दो चीज आ जाता है, क्या एक हो गया नॉट यूजिंग पीपीईज, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग आदमी नहीं पहना नहीं किया, वर्किंग एट हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, वर्किंग एट हाइट में काम करते वक्त कोई सुरक्षा नहीं पहना, सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं पहना। दूसरा होता है उसको दो भागों में अनसेफ एक्ट को बांट दिए हैं, वो क्लियरिटी के लिए अनसेफ प्रैक्टिस और सुरक्षित काम, असुरक्षित क्रियाएं, असुरक्षित काम और असुरक्षित क्रियाएं क्या होता है, यह आदमी का ऐसा असुरक्षित काम जिसके कारण कभी भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, जैसे वर्किंग ग्राइंडिंग मशीन विदाउट गार्ड, वर्किंग प्लाई कटिंग मशीन विदाउट गार्ड, आदमी को पता है जो ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड नहीं लगा हुआ है फिर भी उसको चलाने के लिए तैयार है और चला रहा है, आदमी को पता है कि मशीन खराब है और फिर भी चला रहा है, ये अनसेफ प्रैक्टिस हो गया, इसको असुरक्षित क्रियाएं बोला जाता है और सुरक्षित काम बोला जाता है। तो अनसेफ एक्ट में हो गया एक तो पीपीज हो गया, एक हो गया इक्विपमेंट में गड़बड़ी, ये दो हो गया आपका अनसेफ एक्ट। चौथा आ जाता है
अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह, ये तो क्लियर दिया गया है। व्हाट इज अनसेफ कंडीशन? अनसेफ कंडीशन इज ए डिफाइंड हजार्डस कंडीशन विच कैन लीड टू एक्सीडेंट। साइट का ऐसा असुरक्षित जगह या खतरनाक जगह जहां पर काम करने से कभी भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, उसे ही हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं, असुरक्षित जगह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, नोट प्रॉपर एक्सेस फॉर वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट में जाने का रास्ता नहीं है, नो लाइफ लाइन फॉर वर्किंग एट हाइट, नो फॉल प्रोटेक्शन फॉर वर्किंग एट हाइट, नोट प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक मिसिंग ऑफ मिड रेल एंड हैंड रेल, लूज मटेरियल किप्ड ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड पुअर हाउसकीपिंग ऑन द एक्सेस एंड एग्रीज। आने जाने रास्ता वाला रास्ता पर मटेरियल रख दिया है जिसके कारण आदमी को कभी भी चोट लग सकता है। नो बैरिकेडिंग बिसाइड एक्सकैवेशन पिट, गड्ढा में गिरने से बचाने के लिए वेरी हार्ड बैरिकेडिंग नहीं किया जिसके कारण आदमी गड्ढा में गिर जाएगा। नोट प्रॉपर स्लोपिंग फॉर एक्सकैवेशन पिट, एक्सकैवेशन गड्ढा वाला गड्ढा में प्रॉपर स्लोपिंग नहीं किया जिसके कारण कभी भी कोलैप्स होकर मिट्टी आदमी के ऊपर गिर सकता है। तो ये सब हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया, असुरक्षित जगह हो गया। इसके बाद आ जाता है पांचवा, इंसिडेंट का मतलब हो गया घटना, और दूसरा हो गया एक्सीडेंट, इसका मतलब हो गया दुर्घटना। दोनों में अंतर है, लेकिन आदमी को कभी कभी सस्पिशन हो जाता है। इंसिडेंट हो गया, इट इज अनप्लानेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट बट रिजल्टिंग नो लाइफ लॉस एंड नो प्रॉपर्टी लॉस। घटना जो है बिना सोचा समझा ऐसा घटना घटा जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप न जानमाल का नुकसान हुआ। कहने का मतलब है कुछ ऐसा घटना घटा जिसमें न आदमी का नुकसान हुआ और न प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, नहीं हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको इंसिडेंट बोला जाता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, फिसल के लुढ़क गया, तो लुढ़क गया, फिसल गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाइक से मैं जा रहा था, बाइक लेकर लुढ़क गया, न बाइक का नुकसान हुआ न हमारा नुकसान हुआ, ये हो गया इंसिडेंट, घटना हो गया। दूसरा अब सिक्स में आ गया एक्सीडेंट, दुर्घटना। व्हाट इज एक्सीडेंट? इट इज अनप्लानेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट which is caused by
अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन एंड रिजल्टिंग लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ एनवायरनमेंट। बिना सोचा समझा ऐसा दुर्घटना घटा, आदमी के गड़बड़ी के कारण और जगह के गड़बड़ी के कारण कुछ ऐसा दुर्घटना घटा जिसके कारण आदमी का तो लॉस गारंटी हुआ, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है और एनवायरनमेंट का भी लॉस हो सकता है। तो एक्सीडेंट में क्या है, आदमी का लॉस गारंटी होना है तभी उसको आप एक्सीडेंट बोल सकते हैं। अगर आदमी का लॉस नहीं हुआ, ओनली प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो उसको डेंजरस अकूरेंस बोला जाता है, जिसको मैं आगे बाद में बताऊंगा। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों के क्वालिटी के ऊपर, अब कैच करना है जो आप कितना ले रहे हैं और कितना आप पर निर्भर करता है, आप कितना ज्ञान ले रहे हैं। और हमारे में अगर गड़बड़ी होगा तो आप कमेंट में भी हमको दे सकते हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ऐसा बताइए। कुछ पहले जल्दी बता सकता हूं, कुछ बाद में बता सकता हूं। तो ये हो गया, चलिए बात। अब आ गया सेवन, कंपेयर बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, घटना और दुर्घटना में अंतर को आप कैसे पता करेंगे। तो अंतर क्या है, वैसे इस दोनों में भी क्लियर मैं कर दिया हूं, फिर भी कुछ जो बचा है तो इसमें मैं कर देता हूं। व्हाट इज द कंपेयर बिटवीन एक्सीडेंट इन इंसिडेंट, all accident is incident, but note all incidents are accidents। इसका मतलब यही है, सभी दुर्घटनाओं को आप घटनाएं बोल सकते हैं, लेकिन सभी घटनाओं को दुर्घटनाएं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि घटनाएं में, इंसिडेंट में आदमी का लॉस नहीं होता है और दुर्घटना में आदमी का लॉस गारंटी होता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल एक्सीडेंट्स इज इंसिडेंट, बट नोट ऑल इंसिडेंट्स आर एक्सीडेंट्स। तो आज का चैप्टर इतना ही है, क्लास थोड़ा 5-6 दिन पर 7 दिन पर चलता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा तैयारी भी करना पड़ता है और कुछ याद भी करना पड़ता है। अगर याद भी नहीं रहेगा, देख देख करके ही पढ़ाएंगे तो क्या वैल्यू है। और इससे हमारा थोड़ा याद रहेगा तो ये ट्रेनिंग जो है सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लास ट्रेनिंग, ये अच्छा सक्सेस रहेगा, उम्मीद तो है। लेकिन आप लोगों को भी इसमें साथ देना जरूरी है, तो हमारा भी साथ, आपका भी साथ, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।